आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो कल हमने सीखा था कि किस तरीके से हम वन बाय वन, टू बाय टू और थ्री बाय थ्री ऑर्डर के जो मैट्रिसेस होते हैं उनके डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिटरमिनेंट को किस तरीके से इवेल्यूएट किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ को पहले समझते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर वन है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इट मीन्स डिटरमिनेंट की अगर हम रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम ही रहता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक मैट्रिक्स यहाँ पर ए गिवन है जिसके एलिमेंट है 3, 2, 4, 5, 2x2 की मैट्रिक्स है। हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, 7 आया। अब हमने इसका ट्रांसपोज किया यानी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज किया, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाला तो वो अभी भी 7 आ रहा है। तो इससे प्रूफ हो जाता है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। अगर हम डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, 7 आ गया। अब हमने यहाँ पर R1 और R2 का आपस में इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने के बाद जब इसके डिटरमिनेंट वैल्यू को सॉल्व किया तो -7 आया। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब भी डिटरमिनेंट के टू रोज या टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो ऐसा करने पर डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद नेगेटिव हो जाएगी, या जो पहले नेगेटिव थी वो बाद में पॉजिटिव हो जाती है। वैल्यू एज इट इज रहते सिर्फ साइन वहाँ पर चेंज हो जाता है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, अगर किसी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स अगर आपस में आइडेंटिकल होते हैं, इट मीन्स उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम होते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं R1 और R2 बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, क्योंकि जो R1 के एलिमेंट हैं वो भी 3, 2 हैं और R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो भी 3, 2 हैं। दैट मीन्स R1 R2 दोनों आइडेंटिकल हैं। अब हम जब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट आएगा जीरो। तो इसलिए जब भी किसी भी डिटरमिनेंट के टू रोज या टू कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो प्रूव करना होता है तो हम इसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई डेट के। अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाती है। इट मीन्स अगर डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी उसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जाम्पल देखिएगा, ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है 2x2 ऑर्डर का, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, 7 आया। अब हमने पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, जो पहली रो पहले 3, 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गए 6, 4, और हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं 14 आ गया। तो हमने पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई करी थी, तो ऐसा करने पर आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट की जो वैल्यू 7 थी उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होकर वो 14 आ गया। तो इट मीन्स जब भी हम डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम में किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं जब भी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में कोई कॉमन वैल्यू या कॉमन फैक्टर में दिखाई देता है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी 5 भी इंपॉर्टेंट है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट टू और मोर टर्म्स के फॉर्म में लिखे हों, टू और मोर टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखे हों, तो हम डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम, टू और मोर डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट टू और मोर टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखे हैं तो हम डिटरमिनेंट को भी टू और मोर डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए है यहाँ पर, इसमें सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो 2-2 टर्म्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, जैसे x+2 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में है और x+3 ऐसे ही यहाँ पर भी है।
ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए पहले हम यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो आ रहा है माइनस के एक्स, ठीक है। सॉल्व करना तो आपको आता ही है, आप देखेंगे उसको सॉल्व करके आ गए माइनस के एक्स। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके के डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस किया जाएगा दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में, तो जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा दोनों में, लेकिन जो सेकंड कॉलम लिखेंगे हम दोनों डिटरमिनेंट का, तो सेकंड कॉलम में पहले फर्स्ट टर्म्स लिखी जाएंगी, जैसे कि एक्स एक्स को हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट में लिखा, जबकि जो सेकंड टर्म्स है टू और थ्री उनको हमने सेकंड डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है। और फिर जब आप इनको सॉल्व करेंगे दोनों डिटरमिनेंट का, तो आप देखेंगे पहला सॉल्व करके आएगा टू एक्स माइनस थ्री एक्स, दूसरा आएगा सिक्स माइनस सिक्स, तो वो भी सॉल्व करके माइनस के एक्स आ गया। तो इससे प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है कि जब भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के एलिमेंट्स टू और मोर टर्म्स के सम के फॉर्म में हो, तो हम डिटरमिनेंट को टू और मोर डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सिक्स ये है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन आर आई टेंस टू आर आई प्लस के इन टू आर जे और सी आई इक्वल टू सी आई प्लस के इन टू सी जे। इट मीन्स हम किसी रो में दूसरी रो को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ऐसा करने के बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपको मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो वो आ गया सेवन। फिर हमने यहाँ पर प्रोसेस लगाया आर वन टेंस टू आर वन प्लस टू आर टू, यानी पहली रो में हमने दूसरी रो को टू से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो आप देख सकते हैं जैसे हम फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड करें टू से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा थ्री प्लस फोर इंटू टू, यानी थ्री प्लस एट, ये आ गया इलेवन। ऐसे टू प्लस फाइव इंटू टू, तो ये आएगा सॉल्व करके ट्वेल्व। सेकेंड रो वहाँ पर एज इट इज़ रहेगी। अब जब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो भी सेवन आएगा, वो पहले भी सेवन था और ये प्रोसेस लगाने के बाद भी सेवन है। तो इट मीन्स हम डिटरमिनेंट में किसी रो में दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके, और यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आप इनके बेसिस पर ही आगे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। दो क्वेश्चन देखते हैं आगे के एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो पहला ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 4.2 का ही है, ये एक डिटरमिनेंट गिवन है और हमें इसमें ये दिखाना है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसकी वैल्यू को हमें जीरो प्रूफ करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसको हमने यहाँ पर दो तरीके से सॉल्व करके दिखाया आपके लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट का जो थर्ड कॉलम है वो टू टू टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में, जिसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में एज इट इज़ हैं। लेकिन जब थर्ड कॉलम लिखा तो पहले डिटरमिनेंट के अंदर हमने फर्स्ट टर्म लिखी है एक्स वाई जेड, जबकि सेकेंड डिटरमिनेंट के थर्ड कॉलम हमने ए बी सी यानी सेकेंड टर्म को लिखा है। अब जैसे कि हमने आपको प्रॉपर्टी थ्री बताई थी कि डिटरमिनेंट के अगर टू रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आप देखेंगे पहले डिटरमिनेंट में सी वन और सी थ्री आइडेंटिकल हैं, इसलिए उसकी वैल्यू जीरो हो गई। सेकंड डिटरमिनेंट में भी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हैं, इसलिए उसकी वैल्यू भी जीरो हो गई, और जीरो प्लस जीरो करेंगे तो आ गया जीरो के इक्वल। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पर दिखा रखा है, सी थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी वन, क्योंकि हमने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट में हम किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हमने यहाँ पर थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया। जब थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल आ जाएंगे। और जब प्रॉपर्टी ये है कि डिटरमिनेंट के टू रोज या टू कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल था। आई थिंक वन से लेकर फाइव तक के जो क्वेश्चन हैं 4.2 एक्सरसाइज के, वो आप इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, सॉरी एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले आपको कुछ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ नोट्स यहाँ पे हम दे रहे हैं, वो देखिएगा, समझिएगा इनको। जब भी आपको डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी का यूज़ करके कुछ प्रूव करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, यानी कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं जिसे कॉमन लिया जा सके रो में से या कॉलम में से। तो पहले हमें वो चेक करना चाहिए, अगर वो नहीं है तो हमें ये देखना चाहिए कि डिटरमिनेंट की पहली रो में बाकी रोज को ऐड करने पर या पहले कॉलम में बाकी कॉलम को ऐड करने पर कोई कॉमन फैक्टर तो वहाँ पे नहीं बन रहा है। अगर वहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर बन जाता है पहली रो में या पहले कॉलम में, तो उसे कॉमन लेके हम फिर सॉल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही अप्लाई अगर नहीं होते हैं, तो फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि डिटरमिनेंट में किस तरीके से हम मैक्सिमम जीरोज़ बना सकते हैं। जीरोज़ बनाने के लिए हम रोज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, ऐसी कॉलम में को भी हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जितने मैक्सिमम जीरोज़ बनाएंगे
डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब डिटरमिनेंट में दिया जाता है कि प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, तो आपको प्रॉपर्टी को कम से कम एक प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपको डिटरमिनेंट गिवन था, आप देख सकते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही हम पहली रो में बाकी रो को ऐड करें या पहले कॉलम में बाकी कॉलम को ऐड करें, कोई कॉमन फैक्टर वहाँ पर बनकर आ रहा हो ये भी नहीं है। तो हम सीधे थर्ड प्रॉपर्टी पर जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कैसे वहाँ पर जीरोज़ बना सकते हैं। तो हम देख सकते हैं, अगर हम पहली रो में से दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सेकेंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर हम जीरोज़ बना सकते हैं। तो यही काम हमने किया। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसमें हम मैक्सिमम 2 ऑपरेशन एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहली रो में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0 a माइनस बी ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ऐसे ही 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और थर्ड रो वहाँ पर एज इट इज रहेगी। अब ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, और ऐसे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं b माइनस सी बी प्लस सी। ऐसा करने पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में सब a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, ये तो 0 है, लेकिन इन दोनों में आप देख सकते हो दोनों टर्म में a माइनस बी कंटेन है, तो फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और सेकंड रो में से b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो वो कॉमन हमने लिए। उसके बाद देखिएगा, कॉमन लेने के बाद दोबारा से हम एक प्लेस पर और 0 बना सकते हैं, अगर हम आर वन में से आर टू को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमने दोबारा से आर वन में से आर टू को सब्ट्रैक्ट किया। आप चाहो तो कॉमन लेने के बाद यहीं पर एक्सपेंड कर सकते हो और यहीं पे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तब भी आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। लेकिन आप चाहें तो आगे भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आगे भी प्रॉपर्टी लगाई, आर वन में से दोबारा हमने आर टू को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 0 0 ये आ गया ए माइनस सी, और बाकी सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज़। ए माइनस सी हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में, ए माइनस सी को हमने आर वन में से कॉमन निकाला, फिर आपका बचा ये डिटरमिनेंट, और फिर इसको हमने एक्सपेंड कर दिया आर वन के अलॉन्ग। तो आर वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर हमारे ये सॉल्यूशन निकल कर आ गया जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छी तरीके, मतलब इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से देखिएगा, इनके बेसिस पर आप 4.2 के क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।